जो जनरल बख्शी को सुना बहुत गौर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत डिफरेंस होता है रेड में और सर्जिकल स्ट्राइक में। और यही बात अब पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया भी कर रहे हैं। विनोद भाटिया, आपको बता दें, 2012 से लेकर 2014 तक डीजीएमओ रहे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। वो वक्त जब यूपीए भी थी, यूपीए का वक्त था, उसमें उन्होंने ये कहा कि यूपीए के समय भी सर्जिकल ऑपरेशंस किए गए थे। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा से बात करते हुए विनोद भाटिया ने यह साफ किया कि यूपीए के शासनकाल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। सुनिए सर, आपसे ज्यादा इस चीज का अच्छे से जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप खुद उस पोस्ट पर रहे हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक में इतना खास क्या है, इतना ज्यादा पूरे देश में कि सबूत दिखाए जाएं सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या है नहीं है, इसमें खास क्या है, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है? ये देखिए, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो 28-29 सितंबर रात को हुई हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। पहली बार ही हुई हैं ऐसी स्ट्राइक्स जहां पर हमने पूरे देश का एक रिजॉल्व जो होता है स्ट्रेटजिक रिजॉल्व, वो डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को। पिछले 26 साल से पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। बहुत आतंकवाद हुए, लेकिन हमने हमेशा पूरा जवाब देने से, आधा जवाब देने से थोड़ा पीछे हटे, जिसको कहते हैं हम स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाई हमने। इस बार ही हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट मेरे ख्याल से फिर भी दिखाई है, और जवाब लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के जो दौर पे दिया है वो टैक्टिकल टारगेट्स थे, लेकिन स्ट्रैटेजिक उसका रिस्पॉन्स था। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत डिटेल्ड होती हैं, बहुत डिलिब्रेट होती हैं, इनको बहुत कोऑर्डिनेट करके अच्छे तरीके से सोच समझ के, सोच विचार करके इनको स्ट्राइक किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्राइक से टेररिस्ट की उसकी टेररिस्ट स्टेट पॉलिसी बंद हो जाएगी, लेकिन जो टेरर को जो वो सपोर्ट करता है, फंड करता है आतंकवाद को, उसका कॉस्ट बढ़ा दिया हमने, उसको हम डिफरेंट डायमेंशन में ले गए। अभी से उसको अपने जो टेररिस्ट हो उनको गार्ड करके रखना पड़ेगा, तो ये इम्पैक्ट है उसका। जो पहले जो हमने ऑपरेशन किया उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था ऐसा, वो छोटे लेवल पे ऑपरेशन थे, बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेशन थे, वो डिफरेंट कैटेगरी में थे, डिफरेंट डोमेन में थे। राजीव त्यागी जी, अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है सर। ये सितंबर 1, 2011, जुलाई 28, 2013, जनवरी 14, 2014, ये आप कह रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, डीजीएमओ आपके वक्त के डीजीएमओ ये कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत लोकल ऑपरेशंस थे। देखिए रूबिका जी, मैं जी न्यूज को आग्रह करना चाहूंगा कि वो जनरल विक्रम सिंह के विरुद्ध कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि जनरल विक्रम सिंह सेना के प्रमुख थे, उन्होंने बयान दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने की। हमने तो 71 की वार हो, 65 की वार हो, 47-48 की वार हो, शायद उस टाइम भी सर्जिकल स्ट्राइक करने मोदी जी और अमित शाह जी गए हों बॉर्डर पे, और उस टाइम भी उन्होंने कहीं ना कहीं आतंकवादी मारे हो। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, जनरल भाटिया जो बात कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, वाली बात कर रही है, वो गलत कह रहे हैं। मिस्टर भाटिया से ऊपर, मिस्टर भाटिया से ऊपर जनरल विक्रम सिंह हैं, जनरल विक्रम सिंह उनसे ऊपर होते हैं हायरार्की में अगर आप देखेंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं यहां कहना चाहूंगा, क्या 71 की वार में भारतीय जनता पार्टी थी, क्या 65 की वार में भारतीय जनता पार्टी थी? सर ये तो सब मान रहे हैं सर, ये तो सब हम लोग का सरकार चला रहे थे, हमने कभी पोस्टर नहीं लगाए, हमने कभी सेना के सम्मान को बेचने का काम नहीं किया, हमने कभी शहीदों के सम्मान को बेचने का काम नहीं किया, हमने कभी पाकिस्तान को विरुद्ध लड़ाई लड़के कभी बेचने का काम नहीं किया। मैं कहना क्यों लगाए पोस्टर, क्यों हम सेना को बीच में लाए राजनीतिक, उसमें सेना जब जब राजनीतिक उसमें जाती है तो देश के देश तबाह हो जाते हैं। दलाली के नाम पर सेना बीच में नहीं आ रही। ठीक है, मेजर जनरल बख्शी आपसे मुखातिब होना चाह रहे थे, आगे जी सुन लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, सेना को क्या 7वां वेतन आयोग दिया गया, सेना को क्या 7वां वेतन आयोग दिया गया, क्या सेना को जब सेना पर सवाल करने में डेमोक्रेसी आ जाती है, पर सेना को लेकर पोस्टर्स लगाने में डेमोक्रेसी नहीं होती है? सरकार ने क्यों उनकी चीज भी मेरी पट भी मेरा सर, ऐसे नहीं होता। अरे साहब, ये केवल यही बोले जाएंगे या हम लोग डिबेट से जाएं? ठीक है, मेजर जनरल बख्शी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, 1965 में हमारे देश के त्यागी जी प्लीज, ये क्या हो रहा है ये डिबेट? एक सेकंड रुक जाइए, आप प्लीज शिष्टाचार सीखिए। आपने बोला है हमने सुना, अब आप सुन लीजिए, जवाब दे देना। देखिए साहब, ऐसा है, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जब बड़ी भारी फतेह हुई, सारा श्रेय उनको मिला कि नहीं मिला? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। आप एक मिनट, आप प्लीज सुन लीजिए, आप हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। मैं बड़े देखिए ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं, आप प्लीज सुन लीजिए, आप प्लीज सुन लीजिए। 1971 में मैं इतिहास बता रहा हूँ। ठीक नहीं हो जाती है जनरल बख्शी, पर्सनल अटैक से मिस्टर त्यागी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आप एक पर्सनल अटैक से नहीं बचिए। आपको आपत्ति किस बात पे है? रुक जाइए आप, नहीं आपको ये सुनते तो है नहीं, बोले जाते हैं। आपको आपत्ति किस बात पे है? त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए, आपको आपत्ति किस बात पे है? मोदी जी की मिसाइल मत बनिए। देखिए ये कोई तरीका नहीं है कि ये आके चिल्लाना शुरू हो जाए और बाकी सब इन्हीं की यहाँ भाषण सुनने आए। मिसाइल है आप मोदी जी के हवा से टीवी पे, वी कांट डू अ डिबेट, और टीवी से हवा पे डिस्कशन नहीं हो सकती। आप केवल चिल्ला रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। आप देखिए हम लोग इनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ये केवल चिल्ला रहे। आप सुन लीजिए कायदे से, आप प्लीज इनकी वॉल्यूम डाउन करिए। जनरल बख्शी प्लीज, नहीं एक सेकंड रुक, आप नहीं सर, नॉट बायस्ड, हां देखिए आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, यू हैव टू लिसन टू हिम नाउ, आई एम सॉरी। आपने मेरा सुना है मैंने क्या कहा है? हैव यू हर्ड व्हाट आई हैव सेड? Have you heard what I have said? मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, प्लीज आप सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया। रूबिका जी ये क्या हो रहा है? टोटली बायस्ड। तो आप दो मिनट और सुन लीजिए, तो इसका मतलब केवल आपको बोलने का अधिकार है, क्योंकि आपका वो ओपिनियन है, क्योंकि आपका वो ओपिनियन है, मतलब और कोई बोल नहीं सकता। जो आपसे हावे हा ना मिला है वो बोल नहीं सकता। बोलिए बोलिए, लेकिन अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, सच बोलिए। देखिए सुन लीजिए त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, सुन लीजिए, चालान और भाषण सुन लीजिए, जो राहुल गांधी को सूट करता है, सुन लीजिए, जनरल बख्शी जो कांग्रेस को सूट करता है, सुन लीजिए, जनरल बख्शी चालान और भाषण बनिए, किसी एक दल के चरण में भाट मत बनिए सर, प्लीज अब एक सेकंड, बहुत हो रहा है। मुझे ये आपत्तिजनक लग रहा है रूबिका जी, सर ये बहुत, देखिए आप गाली देना बंद करिए, ये अच्छी बात है, तभी से आप लोगों को बात करने नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा, ये काफी बोल चुके हैं मैडम, आप अगर हमको चाहती है तो आप बैठ के सुनती रहे, आप बैठ के सुनती रहे इनको, मेजर जनरल बख्शी, आप किसी को, मेजर जनरल बख्शी प्लीज, बहुत कष्ट दे, प्लीज। हेलो जी, हेलो जी, कैन आई रूबिका जी, मेजर जनरल बख्शी, मैं सिर्फ इतना फरमा रहा था, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की, प्लीज सुन लीजिए, मैंने बहुत कोशिश की सर, आप मुझे आवाज, थैंक यू रूबिका, थैंक यू। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके नीचे शानदार फतेह हुई, पूरा देश उनकी इज्जत करता है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उससे भी तगड़ी फतेह हुई और पूरा देश उनकी इज्जत करता है, ऑपोजिशन ने भी उनको दुर्गा बोला। जब आप श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को दे सकते हैं, तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको और उनकी सरकार को श्रेय क्यों नहीं जा सकता? मुझे समझ नहीं आया कि ये अलग अलग मापदंड क्यों हैं इसमें, मतलब बचकानी बात है साहब, आप कोई ठोस चीज पे हम आर्ग्यू करें तो बात है। अब रही बात, आपने डीजीएमओ को सुन लिया है कि प्लीज इस देश को समझना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक में और छोटे रेड में क्या फर्क होता है, आप प्लीज समझिए आपकी सेना ने कितना शानदार ऑपरेशन करके दिखाया है। अपने जवानों को तो वो श्रेय दे दीजिए, और वो तभी दे पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि 250 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन गए हैं, 30-30 की नफरी की आपकी 8 टोलियां कमांडोज की गई हैं, 3 किलोमीटर तक अंदर के दुश्मन के घुस के वार किया, आपके सैटेलाइट वो 7 दिन तक इस इलाके को ऑब्जर्व कर रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, आपके ड्रोन इस इलाके के ऊपर कब्जा कर रहे थे, आपके एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर और जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे वो यहाँ पे जो है डिस्ट्रैक्शन की फ्लाइट्स कर रहे थे ताकि दुश्मन का ध्यान दूसरी ओर खींचा जाए, जबकि हमारी स्ट्राइक जा रही है बगैर खरोंच के, 200 हमारे जवान अंदर घुसे और स्ट्राइक करके तो वापस आ गए। उस पर क्यों पॉलिटिक्स हो रही है? अगर हमने प्लीज अपने जवानों को श्रेय तो दे दीजिए दिया है तो, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर आलोक तो गाली गलौज में लग गए हैं, सी बात है, इस पे क्यों राजनीति सर? अगर अच्छा काम हुआ है तो प्लीज वेलकम,
बिल्कुल सही बात है, हम तो पहले दिन से वेलकम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो पहले के एक्सकर्शंस हो, कहीं भी हमारे जवानों की वीरता और शौर्यता की गाथा उसमें लिखी हुई है, इसको उसका क्वांटम कंपैरिजन करना भी गलत है। हमने दुश्मन के घर में घुस के उसे मारा है, चाहे एक्सकर्शन में मारा हो, चाहे लोसी क्रॉस करके मारा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा हो, मारा है हमारे सैनिकों ने। उसके लिए हमें अपने सैनिकों की वीरता को याद रखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर बस एक चीज का हुआ है, देखिए अंतर सिर्फ एक चीज का हुआ है, जिसके कारण आज इतनी बहस हो रही है। एक महिला अगर घर में दूध उबालती है ना, तो एक एक्सपीरियंस महिला को पता चल जाता है दूध के गिरने के पहले कि दूध उबल गया, और दूध को उठा के रख लेती है वो। और इन एक्सपीरियंस महिला जब दूध उबालती है, तो जब तक दूध निकल के गिरता नहीं है, तब तक उसको पता नहीं चलता है कि दूध उबल गया है। सबको, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कारगिल का युद्ध हो, चाहे आज मोदी जी हो, हर प्रधानमंत्री अपने समय का अगर कोई सर्जिकल वॉर जीतता है तो उसको क्रेडिट मिलता है। ये सारा देश जानता है कि उसके नेतृत्व, उसकी इच्छा शक्ति के कारण ये काम हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए ना, उस क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी क्यों कि सारे पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, कोई जामवत बन गया, कोई राम बन गया, कोई हनुमान बन गया, ठीक है। सारी समस्या तो यहाँ से शुरू हुई है। डॉक्टर पात्रा जवाब, अरे आपको तो क्रेडिट देश देगा ही, कौन नहीं दे रहा है, मुझे लगता है हम आपके पीछे खड़े हैं। डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। देखिए मैं चार दिन से इस विषय पर डिबेट कर रहा हूँ, जनरल बख्शी भी कर रहे हैं, अजय आलोक जी भी कर रहे हैं। कुल मिला के डिबेट का लब्बोलुबाब लास्ट में क्या निकलता है कि एक पोस्टर निकला जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को राम दिखाया गया और किसी को जामवंत दिखाया गया। आप बताइए, कुल मिला के राम और जामवंत के लिए अगर प्रधानमंत्री को राम दिखा दिया गया, तो हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे? खून की दलाली, हम एविडेंस मांगना शुरू कर देंगे? और मेरे भाई बैठे हैं अजय आलोक जी, उन्होंने खुद ट्वीट किया, दिस इज़ नॉट अबाउट नेशनल प्राइड, ये देश के नेशनल प्राइड का विषय ही नहीं है, दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का विषय है। केवल राम बन गए कोई पोस्टर में, कोई जामवंत बन गया, इसलिए मैं बताता हूँ। आप 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, मुझे थोड़ा मेरा ट्वीट ये पूरा ट्वीट बोलिए ना, ठीक है, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, अभी मैं सबको पूरा ट्वीट बोलिए, आधी बात मत कीजिए ना फिर। रूबिका जी, मैं लास्ट में डिबेट अंत करने से पहले मैं सिर्फ एक बात बहुत दिल से कष्ट के साथ बोलना चाहूंगा। हजारों वर्ष से भारत में, भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में इतनी ताकत थी कि वो समस्त दुनिया को हरा सकती थी, इतना बल था। हमेशा जयचंदों ने हिंदुस्तान को हराया और गुलामी के कगार तक फेंका है। भारत से मैं अपील करता हूं कि जयचंदों को पहचानो, ये जयचंद तब भी थे, ये जयचंद अब भी है, ये जयचंद देश को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे ये जयचंद। जब तक इन जयचंदों को नहीं पहचानोगे, ये डिबेट डिबेट करने से कुछ नहीं होता है, ये हजारों वर्ष तक हम डिबेट ही करते रह जाएंगे, लूटने वाले लूट जाएंगे, हम केवल डिबेट करते रह जाएंगे। किसने कहा था कि भारत की आजादी मत करो? अरे साहब छोड़ दीजिए, आप अंग्रेजों की बात सुन रहे थे तो ये हमारे साथ 17 साल तक क्यों बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए थे? अंग्रेजों की बात सुन रहे थे तो 17 साल तक क्यों बैठे हुए थे हमारे साथ? और मैं आपको बता दूं, आदरणीय सोनिया जी, देखिए इंदिरा जी तक विषय अलग था, इंदिरा जी देश को जानती थी, मगर सोनिया जी ना तो हिंदुस्तान की है, ना हिंदुस्तान को पहचानती है, तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी कहां से देश को पहचानेंगे? फिर आप उनकी क्यों परवाह करते हैं? मेरा एक सवाल है, एक एक करके मुझे इसका जवाब। अरे तो फिर उनकी परवाह क्यों करते हैं? डॉक्टर आलोक, डॉक्टर पात्रा, जयचंदों की परवाह ना करें। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर आलोक, मेरा आप दोनों से बहुत सिंपल सवाल है जी, सीधा सवाल ये है, क्या आज की तारीख में, त्यागी जी आई एम सॉरी, नहीं नहीं एक सेकंड, आपने पूरे 45 मिनट आपने हर जगह एक एक करके अपनी बात रखी, अब एक सेकंड आप रुक जाइएगा, और इसके गवाह मुझे पता है डॉक्टर आलोक भी है, मेजर जनरल बख्शी भी है, और डॉक्टर पात्रा भी है, और मेरे व्यूअर्स तो है, एक सेकेंड अब आप रुक जाइएगा। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर आलोक, ये पोस्टर वॉर, एक जना चिड़ा है, दूसरा ये कह रहा है कि क्या फर्क पड़ता है अगर पोस्टर लगा दिया गया तो। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर आलोक, क्या आप भी बधाई नहीं दे सकते थे? सैनिकों की शौर्य गाथा की ही तो बात है, 4 लाइनें आप भी लिख देते और पोस्टर लगा देते, ये गुस्सा किस बात का? ऐसा है कि सबसे पहले हमने सरकार को बधाई दी, सबसे पहले हमने सेना को बधाई दी, हम सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमारा ये कहना है कि ठीक है, आपने बहुत सारे प्रेसिडेंट्स तोड़े हैं, जो आने वाले दिनों में जो भी सरकार रहेगी उसका फेस चेंजर रहेगा ये। आज तक जितने भी LOC के क्रॉस एक्सकर्शन हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, आपने उससे बड़ा काम किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की जो 250 किलोमीटर के एरिया में, आप बधाई के पात्र हैं। आपने और भी बड़ा काम किया कि आज तक हमारी सेना ने आज़ादी के बाद से लेके आज तक 2016 तक हमारी सेना ने कभी वर्ल्ड को अनाउंस करके नहीं बताया था
बकायदा आपने सेना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, डीजीएमओ ने इसकी घोषणा की, नहीं, ये एक अपने आप दृढ़ इच्छा शक्ति है, चलिए इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन लेकिन एक मिनट सुनिए सुनिए, सेना अपने मन से नहीं करती हमारे देश में, सेना पॉलिटिकल पावर के अंदर में काम करती है, पॉलिटिकल है। अब ये भी बात ये है, आपको हड़बड़ी क्यों हो रही है भाई? देश आपके साथ खड़ा है, देश आपके साथ खड़ा है वो पता है, आप लोग खड़े हो या नहीं ये विषय है, देश तो खड़ा है ये तो हमें कोई शक नहीं है, मगर आप खड़े हैं, आपके हम चट्टान कर रहे हैं खड़े हैं, लक्षण तो चट्टान हम आपके साथ हैं, हम तो पहले दिन से खड़े हैं, नहीं नहीं ये खड़े होने के लक्षण तो नहीं है, आप इतने डरे होने के लक्षण कि आपको विश्वास ही नहीं होता है, आपका समस्या ये है ना, जिस प्रकार से आप आपकी समस्या ये है कि आप एक प्रकार की भाषा का प्रयोग सत्ता में आ गए हैं और आप खड़े होने के लक्षण कि आपको कोई समर्थन देता है तब भी आप भरोसा नहीं करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कोई समर्थन देता है तब भी आप भरोसा नहीं करते, आप इतने शक्की हो गए, आप इनसिक्योर हो गए बेसिकली, ढाई चाल पीछे आ जाते हैं। अब मुझे डिबेट क्लोज करना है, जाने से पहले मेजर जनरल, अब हम ढाई चाल पीछे आ गए, हम तो तब से आगे इनके पीछे ही पीछे चल रहे हैं, तो आगे गए नहीं, देखिए हम तो पहले दिन से 29 तारीख की सुबह से बोलने के प्रकार है, हो रहा है ना, मैं उस पर सवाल कर रही हूँ डॉक्टर आलोक, वो शक और शुबा जो है जिसको आप दबे लहजे में कह रहे हैं उस पर मैं सवाल कर रही हूँ। अब मैं जाते जाते मेजर जनरल बख्शी, मैं शक और शुबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अधीर हो गए, बेचैन हो गए, इतनी जल्दी हो गए कि पोस्टर लगवाने लगे, कोई अपना नागरिक फेलिसिटेशन करवाने लगा, कि पोस्टर की कहानी है क्या ये भैया, ये देश की सुरक्षा की कहानी है, पोस्टर की कहानी नहीं है। डॉक्टर आलोक साहब, डॉक्टर आलोक साहब एक मिनट, मैं आप लोगों की बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, और आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि जो छोटी स्ट्राइक थी और जो छोटे रेड थे और बड़े रेड जवानों की जो हिम्मत है वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस देश को कि समझिए हमारी सेना ने क्या किया है, जब तक आपको उसका इल्म नहीं होगा, एक स्टेप अबव किया है स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन के इतिहास में, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है कि जब दुश्मन पूरी तरह 100% अलर्ट पे था तब जाके पार करके मारना। प्लीज सेना की उन लड़कों की तारीफ तो कर दीजिए ना, ये कोहराम में वो तारीफ दबी जा रही है, प्लीज वो लड़कों को नहीं पता चल रहा कि आपको कुछ हर्ष हुआ है, नहीं हुआ है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, इससे बढ़िया एंड नहीं हो सकता है इस कोहराम में। अपने हर लड़कों ने, यानी हमारे जवान सैनिकों ने जो काम किया सर, वो दबता चला।